हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में बात करेंगे दुबई ट्रिप के बारे में। अगर आप दुबई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा। सबसे पहले बताएंगे कि अगर आप होटल बुक कर रहे हो दुबई में तो कौन कौन से जगह पे आप होटल बुक कर सकते हो। फिर उसके साथ हम ये बताएंगे कि अगर किस तरह का ट्रांसफर्स, मतलब वहाँ पे जब लोकल यहाँ से वहाँ जा रहे हो तो कौन सा मोड आपको यूज करना चाहिए। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि आप फ्लाइट्स अगर ले रहे हो तो कौन से वेबसाइट पे जाओ जिससे आपको ईजी होगा, कैसे आप इजिली कंपेयर कर सकते हो। फिर वीजा के बारे में बताएंगे। फिर हम ये भी बताएंगे कि आप दुबई जा रहे हो तो बेस्ट प्लेसेस टू विजिट और कौन कौन से अट्रैक्शंस आपको जरूर करने चाहिए, और जो बेसिक मिनिमम कौन कौन से अट्रैक्शंस है वो उसके बारे में भी बताएंगे कि दुबई में कौन कौन से अट्रैक्शंस जरूर करें। फिर ट्रिप ड्यूरेशन के बारे में बताएंगे कि नॉर्मली आप कितने दिन का ट्रिप जाना चाहिए, बेस्ट टाइम टू विजिट आप किस टाइम पे, मतलब आप दुबई जाना चाहिए आपको। फिर ट्रिप कॉस्ट के बारे में बताएंगे, तो ओवरऑल एक कंप्लीट पिक्चर देंगे आपको दुबई ट्रिप के बारे में। हम दुबई का मैप देखते हैं तो दुबई का मैप अगर देखोगे तो एक छोटा सा शहर है, 35 से 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है समुद्र के किनारे, और यहाँ पे सारे मेजर लोकेशंस है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। तो पहला है कि एयरपोर्ट के करीब आप डेरा पे रह सकते हो या बुर दुबई पे रह सकते हो। तो डेरा जो है वो एयरपोर्ट के एकदम करीब है, बेसिकली जब आप क्रीक को क्रॉस करोगे तो बुर दुबई में पहुंचोगे। ये ओल्डर पार्ट ऑफ दुबई है। तो डेरा में अगर आप स्टे लेते हो या बुर दुबई में स्टे लेते हो तो आपको सस्ता पड़ेगा। जैसे बुर दुबई में अगर सिटी मैक्स ले रहे हो नॉर्मली 2,500 से 3,500 रुपए पर नाइट लग जाएगा आपको स्टे का, जिसमें दो लोग आप ठहर सकते। फिर उसके बाद जैसे आप और नीचे जाओगे तो जैसे मैंने बोला ओवरऑल 35 से 40 किलोमीटर का है। फिर डाउनटाउन पे जाओगे तो ये मोस्ट हैपनिंग प्लेस है। तो यहाँ पे आपको नियरेस्ट आपको बुर्ज खलीफा मिल जाएगा, बुर्ज खलीफा से सटा हुआ आपका दुबई मॉल मिल जाएगा। तो यहाँ पे सारा हंगामा यहाँ पे ही रहता है। फिर थोड़ा और नीचे जाओगे तो जुमेरा बीच लोकेशन है, वहां पे भी ले सकते हो। पाम जुमेरा सबसे कॉस्टलीस्ट प्लेस है। यहाँ पे अगर आप अटलांटिस पाम अटलांटिस पे अगर स्टे लेते हो तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। नॉर्मली क्या है कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड है यहाँ पे, इन्होंने मतलब एक पाम की शेप पे बनाया हुआ है जो अमेजिंग है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ पे बहुत सारे लोग एडवेंचर भी करते हैं, स्काई जंप करते हैं। ऊपर से आपको पाम शेप का आइलैंड दिखेगा जो पूरी तरह आर्टिफिशियल है। और नीचे जाओगे तो दुबई का मोस्ट हैपनिंग जो लोकेशन है वहां पे आप होटल बुक कर सकते हो, जो मरीना है। तो मरीना का आप देख लो कि मरीना, जैसे मान लो कि दिल्ली लेते हो तो दिल्ली का गुड़गांव नोएडा जैसा है नाइट लाइफ, और उसके लिए बेस्ट है। आप वहां पे बहुत लेट तक मजे मस्ती कर सकते हो। अगर आप उस तरह के क्राउड हो, यंग क्राउड हो, तो आप मरीना जरूर चूज कर सकते हो। नहीं तो अगर फैमिली वगैरह हो तो डाउनटाउन आपके लिए बेस्ट रहेगा, नजदीक में आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे ट्रांसफर्स के बारे में। तो देखो पब्लिक ट्रांसफर्स मतलब जो है आपके लिए सबसे सस्ता पड़ेगा, मेट्रो है या आप बस ले सकते हो। तो मेट्रो और बस के कॉम्बिनेशन यूज करके आप पूरे दुबई में मस्त तरीके से घूम सकते हो, और ये आपको सबसे सस्ता मोड है ट्रांसपोर्ट का। मैं उसके प्राइसिंग भी आगे बताता हूँ। अब क्या है कि मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, देखो कुछ ऐसे वेबसाइट के बारे में बताऊंगा या ऐप के बारे में बताऊंगा जो कि दुबई ट्रिप में आपका सबसे बड़ा साथी रहेगा और आपको अच्छे से मतलब गाइड करेगा थ्रू आउट द ट्रिप। पहला है कि आप अगर मान लो कि दुबई जा रहे हो तो दुबई एक शहर है 35-40 किलोमीटर का, मैंने लंबाई वाला बताया, तो वहां पे तो एक्सपीरियंस करने जा रहे हो। तो एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ पे बाय कर सकते हो, एक क्लूक है, क्लूक वेबसाइट आप खोल लेना, क्लूक वेबसाइट या ऐप है, वहां पे जाके आपको दुबई के सारे एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे। और आपको कितना पैसा लगेगा, कितना ड्यूरेशन लगेगा, उसमें होटल से पिकअप ड्रॉप है या नहीं, वो सारा इन्फॉर्मेशन रहता है और आप वो बाय कर सकते हो एक्सपीरियंसेस। उससे और बेटर जो मुझे लगता है वो है गेट योर गाइड, वो भी दूसरा वेबसाइट है या ऐप है, उस पे जाओ, आपको पूरा सारा एक्सपीरियंसेस वहां पे मिल जाएगा और बहुत ही डिसेंट रिजनेबल प्राइस पे एक्सपीरियंसेस मिलेगा। और ड्यूरेशन भी बताएंगे कि भाई ये पूरे दिन का है या 4 घंटे का है या 6 घंटे का एक्सपीरियंस है, वो सारा बताएंगे। मैं एक्सपीरियंस का नाम बता देता हूँ, मोटा मोटा बताऊंगा, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लो कि गेट योर गाइड पे जाओगे तो आपको मान लो कि हेलीकॉप्टर राइड लेना है दुबई में, तो आप गेट योर गाइड पे जाओ, हेलीकॉप्टर राइड आपको दुबई में दिख जाएगा, आप बुक कर सकते हो जो भी हो 15,000-20,000 पर पर्सन का, तो आप एक मस्त वाला हेलीकॉप्टर राइड, ऑल यूनिक टाइप एक्सपीरियंसेस आपको वहां पे मिलेगा। इसी सिलसिले में आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है रोम टू रियो। रोम टू रियो एक बेसिकली आपका एक पर्सनल असिस्टेंस हो, मतलब एक पूरा पर्सनल असिस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द ट्रिप। जैसे आप दुबई में हो, आपने मान लो एयरपोर्ट पे आप लैंड करे, आप बाहर निकल रहे हो, आपका मान लो कि बुर दुबई में होटल बुक्ड है, तो आप रोम टू रियो पे डालोगे कि मेरा स्टार्टिंग लोकेशन है एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट है और ये मेरा होटल है, मान लो सिटी मैक्स
मैक्स होटल है बुर्ज दुबई में, तो आपको रोम टू रियो पूरी डिटेल में बता देगा कि आपके पास 4 या 5 ऑप्शन है, आप मेट्रो ले सकते हो, बस ले सकते हो, कैब ले सकते हो, सारा ऑप्शन बताएगा। आप उनको इंडिविजुअली क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल में बताएगा कि आप यहाँ से ले लो, जैसे मान लो कि दुबई में आप टर्मिनल 3 पे लैंड करते हो, स्टेशन 2 से आप मेट्रो लोगे, वो पूरा डिटेल में बताएगा। नॉर्मली ट्रांसपोर्ट का है कि ये जो पूरे स्ट्रेच पे दुबई में मेट्रो चलता है, तो आप तो कहीं से कहीं भी इजीली जा सकते हो बहुत कम पैसे पे। तो जैसे बता रहा था कि रोम टू रियो आपको बता देता है कि मतलब टर्मिनल 3 मेट्रो स्टेशन 2 मान लो कि आपको बुर्ज दुबई जाना है, तो आपको बता देगा कि आप बेसिकली यहाँ पे ADCB मेट्रो स्टेशन 2 पे उतर जाओ, वहां से 14 मिनट का आपका वॉक लगेगा। तो सोच लो कि आपको किसी को पूछना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, मतलब गजब का आपको बहुत ही मस्त असिस्टेंट फ्री में मिल जाता है। अभी है कि देखो आप वहां पे लैंड करे तो आपको टैक्सी चाहिए होगा, नॉर्मली अगर फैमिली हो या मेट्रो जैसे मैं बता रहा था, अगर आप टैक्सी ले रहे हो तो प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हो। एक मोस्ट फेमस वहां पे ऐप है जिसपे आप टैक्सी बुक करते हो, वो है करीम। तो करीम ऐप पे आप बुक कर सकते हो, या प्राइवेट टैक्सी पहले भी आप बहुत तरीके से बुक कर सकते हो। नॉर्मली आपको 2,000, 2,500, 3 लोगों के ड्रॉप के लिए पैसा लगता है। फिर उसी तरह से अगर प्राइवेट ले रहे हो तो फॉर्चूनर ले रहे हो तो एक साइड का 7 सीटर का ले रहे हो तो 170 AED लगेगा। एक AED मान लो 25 रुपए से गुना कर लो तो 2,500, मतलब 4,000 रुपए, आप ये पकड़ के चलो कि 4,000 रुपए 7 आदमी का ड्रॉप है, मतलब 500-600 रुपए पर पर्सन आपको पड़ गया ड्रॉप का अगर आप प्राइवेट ले रहे हो। नॉर्मली अगर वहां का टैक्सी ले रहे हो तो आना जाना 130 AED में हो जाता है, जो नॉर्मली आप ये पकड़ के चलो कि 3,000-4,000 रुपए में आना जाना आपका हो जाएगा। बेस्ट है कि आप वहां जाके टैक्सी ले लो अगर आपको डायरेक्टली होटल पहुंचना है, और एक साइड का 2,000 में आपका होगा, 3 लोगों का ड्रॉप हो सकता है। एक्सपीरियंसेस के बारे में आप बात करेंगे, और मैंने आपको 2 वेबसाइट और ऐप बताया जहां से आप एक्सपीरियंसेस बाय कर सकते। अगर आपको मान लो कि एक्वावेंचर, लॉस्ट चैंबर्स एक्वेरियम चाहिए, तो जैसे आपको वेबसाइट पे बताएगा कि पूरे दिन का ट्रिप है 8,300 रुपए पर पर्सन लगता है, तो आप इन सब साइट पे जाओगे तो आपको सारे टाइप के, जैसे अम्यूजमेंट पार्क, मतलब क्या बच्चे हैं आपके तो अम्यूजमेंट पार्क जा सकते हो, आपको बीच एक्सपीरियंस करना है या म्यूजियम जाना है या गार्डन पार्क जाना है, एडवेंचर स्पॉट्स करना है, ये सारी चीजें आप बेसिकली इन सब वेबसाइट पे आप बुक कर सकते हो और एक आइडिया बना सकते हो। बोटिंग करनी है, सब कुछ जैसे मैंने बताया कि ये वेबसाइट्स आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता है कि भैया बोटिंग करना है। तो नॉर्मली जैसे मैं आगे बताऊंगा, 3 जो एक्सपीरियंसेस है जो जो भी दुबई जाता है वो तो करते ही हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा। बता रहा था कि जैसे आपको स्कीइंग करना है, वाइल्ड लाइफ, मतलब गर्म सा जगह है पर वहाँ क्लोज्ड पे एरिया पे आप स्नो स्कीइंग कर सकते हो, अमेजिंग है राइट। और जो 3 एक्सपीरियंसेस जो दुबई जाते हैं लोग तो वो करते ही है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आपको मिलता है। एक है कि आपको डाउ क्रूज है, डाउ क्रूज नॉर्मली जो है वो बुर्ज दुबई और डेरा के पास है, वो क्रीक जो एक पानी वाटर बॉडी अंदर आता है वहां पे डाउ क्रूज होता है, वो डिनर के साथ होता है। डेजर्ट सफारी भी आपको डिनर के साथ मिलेगा। फिर सिटी टूर करते हो जो दिन का हाफ डे टूर रहता है, तो ये तीनों मिला के 5,200-5,500 पे कहीं पे भी आपको ये तीनों एक्सपीरियंसेस मिल जाएगा पर पर्सन। फिर आप और एड करोगे तो आप वहां जाओगे तो सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है दुनिया का आज तक का बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा पे 124वां या 125वें मालिक तक अगर वाला आप टिकट लोगे तो 3,600-3,700, उसमें भी आप प्राइम टाइम पे जा रहे हो या पहले जा रहे हो बाद में जा रहे हो, उस पर 5,000 भी लग सकता है, 5,500 भी लग सकता है। बुर्ज खलीफा आप जाओ तो बुर्ज खलीफा आपको 3,500-6,000 रुपए पे इन सब वेबसाइट पे मिल जाए। फिर अगर आपको मैं जैसे बताया कि बुर्ज खलीफा के साथ जुड़ा हुआ दुबई मॉल है, तो दुबई मॉल में आप मस्त घूम सकते हो, वहीं पे सटा हुआ नीचे दुबई एक्वेरियम है, दुबई एक्वेरियम का भी टिकट ले सकते हो। पर्टिकुलर सीजन में मिरेकल गार्डन है, वहां पे बहुत सारे बोटानिकल प्लांट्स मिलेंगे, बहुत दुनिया के मैक्स सारे वैरायटी मिल जाएगा। फिर दुबई फ्रेम है, पाम जो मेरा, मैं एक मोटा मोटा नाम आपको बता रहा हूं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। दुबई मरीना है, दुबई फाउंटेन है, दुबई स्पाइस सुख है, दुबई फाउंटेन जो है ये बुर्ज खलीफा दुबई मॉल यहीं पे है, सटा एकदम यहाँ पे ही है, तो दुबई फाउंटेन एक गजब का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और ये दुनिया का मोस्ट एंटरटेनिंग और मोस्ट कॉम्प्लेक्स फाउंटेन शो है, तो आप ये जरूर एक्सपीरियंस करें जब वहां जाते हैं। अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो दुबई गोल्ड सुख जरूर जाओ, ये डेरा और वहां पे है, ओल्डर पार्ट ऑफ दुबई में है, ग्लोबल विलेज हो गया दुबई। अब नाम पे मत कंफ्यूज हो, आप इन साइट पे एक्सपीरियंस सारा देख सकते हो, सफारी टिकट ले सकते हो, अटलांटिस में द लॉस्ट चैंबर्स एक्वेरियम टिकट ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपका बजट कितना है आप उस तरीके से ले सकते हो। तो आपको पहले तो होटल अपना डिसाइड करना है कितने नाइट ले रहोगे, फिर कौन कौन से एक्सपीरियंसेस करोगे, कितना पैसा लगेगा वो आपको क्लियर है। वहां जाओगे कैसे, मेट्रो से जाओगे, बस से जाओगे, कैसे जाओगे,
ओवरऑल आपको ये डिसाइड करना है। फिर उसके बाद अभी देखो कि मेट्रो, जिस तरह से बता रहा था कि मेट्रो का कोई भी राइड, आरटीए राइड बोलते हैं, आरटीए आपको वो लेना होगा, मेट्रो का कोई भी राइड अगर आप लोगे तो 7.5 AED से 10 AED, 10 AED मतलब क्या 250 रुपए, तो नॉर्मली 150 से 200, 250 रुपए में आपका एक राइड इजिली मेट्रो पे मिल जाता है। और एक नॉल टिकट बोलते हैं, NOL टिकट, नॉल टिकट फॉर मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट, मतलब एक सप्ताह के लिए एक टिकट बाई कर लो आप। और फिर उसके बाद ये आपको नॉर्मली आज के डेट में प्राइस तो चेंज होता रहता है, बट आज के डेट में मान लो कि 135 AED पे मिलता है, मतलब 2,500 से 3,000 रुपए में आपको एक टिकट मिल जाता है जो 7 दिन के लिए आप सारा एक कार्ड यूज करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हो पर पर्सन के हिसाब। सबसे अब इम्पोर्टेंट है दुबई वीजा। तो दुबई वीजा जैसे 14 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज का वीजा होता है, और दुबई का वीजा बहुत सिंपल होता है, कुछ सिंपल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, मैं डिटेल में डाल दूंगा। अभी देखो क्या है कि नॉर्मली अगर 14 या 30 डेज का लोगे तो आपको ये 3 से 4 वर्किंग डे में मिल जाता है। आपका प्रॉपरली वीजा होना चाहिए, जो 6 मंथ जिस दिन जाओगे 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, ये सारे बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स है, फोटो चाहिए वगैरह वगैरह, तो 7,000 रुपए में आपको मिल जाता है। बहुत सारे आपको लोकल ट्रेवल एजेंट्स, जस्ट डायल इन, सब कहीं पे भी सर्च करोगे दुबई वीजा तो आपके लोकल शहर में बहुत सारे लोग दुबई का वीजा कर रहे होंगे, या आपको मान लो कि लोकल नहीं करना है तो आपको ट्रेवल बहुत सारे एजेंसीज है उनके थ्रू भी आप बेसिकली वीजा करा सकते हो। आपको 3 to 4 वर्किंग डेज में ये वीजा मिल जाता है, तो नॉर्मली थोड़ा ज्यादा टाइम लेके प्लान कर लो, इजीली आपको वीजा मिल जाएगा, फिर आराम से जा सकते हो। आजकल मोबाइल के बिना कुछ चलता नहीं है, तो आपको सिम चाहिए जिसमें डेटा चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग या लगा के जाओगे थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, या आप बेसिकली एयरपोर्ट पे बाहर निकलो, वहां पे आपको 700 से 1200 रुपए में मस्त वाले प्लान्स मिल जाएंगे। और एनीवेज दुबई में हर जगह वाईफाई मिलता है, कहीं कहीं पे जैसे आपको टैक्सी बुक करना है, जिस तरह से मैं करीम ऐप के बारे में बात कर रहा था, जो उबर वगैरह, उबर ओन करता है उसको, बट वहां पे लोकल टैक्सी के लिए वो बेस्ट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है तो आप बेसिकली वो ले सकते हो। नॉर्मली जैसे मैं कहता हूँ कि सेल्फ ड्राइव कार भी ले सकते हो, बट वहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप वहाँ सेल्फ ड्राइव कार जाके लोगे और अगर आप फंस गए, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आपको बहुत सारा चलान वगैरह लग सकता है, तो आपको लॉसेस बहुत हो सकते हैं। नॉर्मली अभी देखो कि ये शॉर्ट हो गया, आपका सिम शॉर्ट हो गया, मैट्रिक्स बोल के कंपनी इंडिया में, उनसे भी ले सकते हो सिम, वो आपको घर पे भेज देंगे, या अगर आपके पास आईफोन वगैरह है तो ई सिम भी बाय करके ले जा सकते हो। अब खाने का क्या है यार, खाने का तो देखो है कि रेस्टोरेंट वगैरह में खाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा, कैफेटेरिया मैकडॉनल्ड जैसे फास्ट फूड चेन में खाओगे, कैफेटेरिया वगैरह में खाओगे, और बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, वो आपको एकदम देसी जगह है, वहां पे आपको लगेगा नहीं आप आउट ऑफ इंडिया हो, वेज नॉन वेज सब मिलता है। 10 AED से 50 AED पर डे, मतलब पर मील आपको लगेगा। नॉर्मली अगर आप अच्छा होटल बुक कर रहे हो उसमें तो आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहता है, तो आपको 2 मील्स और चाहिए, दोपहर का और एक रात का, राइट, तो लंच और डिनर चाहिए, तो कम से कम 10 से 15 AED मतलब कि 250 से 300-400 रुपए पर मील आप करते हो, तो 1,000 रुपए एक दिन का मील आपका पड़ता है। अगर आप वहां रहते हो तो 1,000 रुपए पर दिन का मील पड़ता है, 1,000 से 2,000 रुपए डिपेंडिंग ऑन आप क्या वो कर रहे हो। खाना आप अगर मान लो कि 1,000 रुपए खर्च कर रहे हो, 6 दिन हो तो 6,000 रुपए लगे, 2,000 करो तो 10,000, 10 से 12,000 रुपए हो गए पर पूरे ट्रिप पे आप। अभी देखो फ्लाइट का क्या है कि फ्लाइट में आप रियली पैसा सेव कर सकते हो, फ्लाइट में पैसा सेव कर सकते हो कि अगर एडवांस में आप बुक कर रहे हो, एक वेबसाइट नोट कर लो, स्काई स्कैनर, वहां पे जाकर मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन डाल दो, उस पे आपको सारे वेबसाइट से ढूंढ ढांड के निकाल देगा कि कहां पे बेस्ट आपको प्राइस मिल रहा है किस फ्लाइट का। तो 20 से 30,000 रुपए आना इंडिया में कौन से शहर पे हो, कहां पे हो, नॉर्मली 18 से 30,000 के बीच में आना जाना आपका दुबई का रहता है, ऑफ सीजन में हो सकता है आपको 18,000 में मिल जाए, या आप मान लो दिल्ली में हो डायरेक्ट फ्लाइट से तो आपको कम में मिल जाए, बट 18 से 30,000 के बीच में आप पकड़ लो पर पर्सन आना जाना दुबई का आपको कॉस्ट पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि बेस्ट टाइम टू विजिट, तो दुबई का बेस्ट टाइम रहता है सितंबर से मार्च तक, अप्रैल वगैरह थोड़ा अवॉइड करो, रमजान का टाइम रहता है, बहुत सारी चीजें क्लोज रहती है। सितंबर से मार्च तक आप जाओ, अगर आपको पैसे बचाने हैं लैंड पैकेज पे होटल वगैरह में, तो आप थोड़ा गर्मी में भी जा सकते हो, मई जून जुलाई, उस समय आपको रेट्स बहुत होटल का बहुत मस्त वाला मिलेगा, आप पैसे बचा सकते हो वहां पे भी होटल के मामले में। और अगर आपको जैसे मान लो कि आप 5 नाइट 6 डेज या 6 नाइट 7 डेज कर रहे हो, जरूर एक अबू धाबी का डे ट्रिप लगा लो, 140 किलोमीटर की दूरी पे है, जाके आ जाओगे। कितने लोग ऐसे करते हैं, अबू धाबी पहले चले जाते हैं वहां घूम घाम के फिर दुबई आते हैं, अलग अलग, बट कम्प्लेक्स मत करो, अगर आपको बजट कम है तो एक डे ट्रिप लगा लो, 7,500 से 10,000 तक आपको पड़ेगा कुछ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिला के। फिर नॉर्मली आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए होगा जो 800 से 1200 रुपए थोड़े कम पे भी मिल सकता है। इसलिए जो भी बहुत सारे इंश्योरेंस वाली वेबसाइट्स है वहां पे जाके आप इंश्योरेंस बाय कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही हेल्प होता है। देखो मैंने एक अलग वीडियो बनाया था जहां पे डिटेल में सारा प्राइसिंग के बारे में, गाड़ी वाड़ी वो भी देख सकते हो, मैं यहां पे डाल रहा हूं, उसमें अच्छे से बताया, मैं मोटा मोटा
यहाँ पे बताते हैं, होटल आपको 3,000 पकड़ लो, तो अगर आप वहाँ 5 राइट हो तो 15,000 रुपए हो गया, मैक्स 16,000 रुपए पर पर्सन, 8,000 का आपका खर्च हो। ट्रांसफर जो है आपका, मान लो कि आपने 2,500 वाला कार्ड खरीदा और 1,000 रुपए लगा लो, 3,500 से मतलब 3,000 रुपए में आपका ट्रांसफर हो गया, 3,000 से 4,000 रुपए में। एक्सपीरियंस अगर आप मान लो कि सिर्फ 4 एक्सपीरियंस बाय करते हो, तो ये पकड़ के चलो कि आपका 10,000 रुपए एक्सपीरियंस में चला गया। तो नॉर्मली आपका क्या हुआ, होटल 8,000 रुपए पर पर्सन, अगर दो लोग हो तो 16,000, दो लोगों का एक बंदे का 8,000, एक्सपीरियंस 10,000, 16,000 रुपए हो गए। फूड का हमने जोड़ा 5,000-6,000 रुपए, तो 21,000 रुपए हो गए। ट्रांसफर का 3,000 रुपए, 25,000 रुपए हो गया। नॉर्मली मेडिकल का, मेडिकल इंश्योरेंस का 1,000 हो गया, 26,000 रुपए हो गया। और आपको मान लो 20,000 में फ्लाइट मिल गया तो 46,000 हो गया। फिर वीजा 7,000 रुपए हो गया तो 52,000 हो गया। मतलब ओवरऑल जैसे आप 5 नाइट 6 डेज कर रहे हो ट्रिप, दुबई का जो बेस्ट रहता है जिसमें आप 5 से 6 एक्सपीरियंस मस्ट वाला कर सकते हो, ये आपको 60 से 65,000 रुपए में मस्त ये ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। लैंड पैकेज आप मान लो कि लैंड पैकेज विदाउट फ्लाइट है वो 25,000-30,000 में, डिपेंडिंग ऑन। देखो अगर एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हो तो दुबई में एक्सपीरियंसेस का एंड नहीं है, डिपेंडिंग ऑन आपका मूड कैसा, क्या है ओवरऑल आपका, उसके ऊपर आप ये प्लान कर सकते हो। बजट का आइडिया भी आपको लग गया। तो देखो मैंने इस वीडियो में पूरा आपको दुबई कैसे प्लान करना है वो डिटेल में बता दिया। एक और वीडियो है उसमें और भी मैंने प्राइसिंग को बहुत अच्छे से ब्रेकअप किया है, वो भी आप देख सकते हो, 1.5-2 लाख लोगों ने उसको देखा है। अगर आपको इन सब चीजों में पछड़ों में नहीं पड़ना है, पूरा ट्रिप किसी एक से बाय करना, तो हम भी ये करते हैं, आपको पूरा ट्रिप हम बना के देते हैं, एकदम एग्रेसिव प्राइस रहता है और सिमिलर प्राइस पे आपको मिल जाएगा। देखो मैंने ओवरऑल बताया, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगता है तो जरूर थम्स अप दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए, थैंक यू।